अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। तो आज के रिव्यू में मेरे पास है एक सोलर लाइट। बेसिकली ये एक मोशन बेस्ड लाइट है जो आउटडोर यूज़ के लिए होती है। ये सोलर से चार्ज होती है और इसमें मोशन सेंसर लगा हुआ है। तो जब ये कोई मोशन सेंस करती है तो ये लाइट ऑन कर देती है। इस टाइम ये डेड कंडीशन में है। हम इसे ओपन करेंगे, इसको देखेंगे इसमें क्या मसला है और उसको सॉर्ट आउट करेंगे। तो ये एक आउटडोर यूज़ होने वाली डिवाइस है और ये वाटरप्रूफ है क्योंकि इसने आउटडोर में यूज़ होना होता है। बारिश और वेदर कंडीशन में महफूज करने के लिए इसको वाटरप्रूफ किया जाता है। तो इसमें एक वाटर टाइट सील होगी जिसको बड़ा इजीली आप रिमूव कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ी एहतियात भी ज़रूरी है कि ये पैनल डैमेज ना हो जाए। तो उसको रिमूव करने के लिए हमें इस तरह का एक स्लेवर चाहिए और इसकी साइड पर स्लेवर को बहुत आराम से हमने ऐसे मूव करना है ताकि इसकी वाटर टाइट सील ओपन हो जाए। इस काम में जल्दबाजी नहीं करनी, बहुत एहतियात करनी है। इसको इजीली इसको चारों तरफ से इसकी वाटर टाइट ग्लू को इस तरह से कट कर लेना है। तो इसकी वाटर सील को रिमूव करने के बाद बहुत आराम से स्लेवर इसके अंदर पुट करना है और इस तरह से हम इस पैनल को बाहर निकाल लेंगे। बहुत एहतियात से इसका खास ख्याल रखना है। यहाँ पे किसी किस्म की कोई ज़ोर दमाई नहीं करनी, उससे इस पैनल के डैमेज हो जाने का खतरा है। तो सोलर लाइट हमारी ओपन हो चुकी है, देख रहे हैं ये लाइट वाटर डैमेज हो चुकी थी। इसके मुख्तलिफ हिस्सों पर, इसके स्क्रूज वगैरह पर और इसके सर्किट पर रंग आ गया हुआ, जिसकी वजह से ये अब वर्किंग कंडीशन में नहीं रही। तो सबसे पहले हम इसके मुख्तलिफ पार्ट्स को चेक करेंगे और उसके बाद फॉल्टी पार्ट्स को हम न्यू पार्ट से चेंज कर देंगे और इंशाल्लाह ताला ये हमारी डिवाइस रेडी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम इसका सोलर पैनल चेक करेंगे। इसका सोलर पैनल चेक करने के लिए ये हमने लिया है डिजिटल मल्टीमीटर। इसको हमने डीसी वोल्ट पर सेट किया है और इस सोलर पैनल में से पॉजिटिव और नेगेटिव वायर इस तरह इसकी बैक से बाहर निकल रही है, जिसके आउट पे हमें डीसी वोल्ट मिलते हैं। इस टाइम नेचुरल लाइट अवेलेबल नहीं है, सनलाइट अवेलेबल नहीं है, लेकिन यहाँ पर अच्छी खासी रोशनी है। तो ये पैनल कुछ ना कुछ वोल्ट निकालेंगे और उन्हीं वोल्ट की वजह से हमें पता चल जाएगा कि ये वर्किंग कंडीशन में है। तो मीटर कनेक्ट करने के बाद जैसे हम देख रहे हैं 2.4 वोल्ट डीसी ये इस टाइम हमें प्रोवाइड कर रहा है, मतलब कि इसका पैनल बिल्कुल ओके वर्किंग कंडीशन में है। तो पैनल तो हो गया हमारा ठीक। आगे चलते हैं हमारे सर्किट और बैटरी और एलईडी की तरफ। इनको भी इसी तरीके से हम मुख्तलिफ प्रोसीजर से चेक करेंगे और फिर आपको बताएंगे कि इनको किस तरह से चेंज करना है। सो सेकंड नंबर पर आती है हमारी ये बैटरी। इसने ही सारा दिन सूरज की पावर से जो बिजली बनती है उसको स्टोर करना होता है और फिर बाद में रात को इस लाइट को चलाना होता है। तो हम चेक करते हैं इसके अक्रॉस, इसके पॉइंट्स पर हम ऐसे मल्टीमीटर अटैच करेंगे और जैसा कि हम देख रहे हैं ये बैटरी अभी हमारी फॉल्टी कंडीशन में है, ये हमें कोई प्रॉपर आउटपुट नहीं दे रही। तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे। देन चलते हैं हमारे सर्किट की तरफ। तो जैसे कि आप देख रहे हैं सर्किट की हालत भी कुछ बहुत अच्छी नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा रस्टिंग हो गई हुई है और वाटर डैमेज की वजह से इसके मुख्तलिफ कंपोनेंट शॉर्ट हो चुके हैं। तो ये भी हमारा वर्किंग कंडीशन में नहीं है। बेसिकली ये आईसी बेस्ड डिवाइस है और इस तरह की डिवाइस वाटर डैमेज होने के बाद बहुत कम चांसेस होते हैं चल सके। तो उसके बाद हमारे पास बचती है एलईडी। तो एलईडी की तरफ चलते हैं और एलईडी को चेक करते हैं। तो इस एलईडी को चेक करने के लिए, इस एलईडी पैनल को चेक करने के लिए किसी भी किस्म के डीसी सोर्स से, बैटरी सेल जो भी आपके पास अवेलेबल हो, मैं ये डीसी सप्लाई का यूज़ कर रहा हूँ, तो उसके साथ आपने इसकी दोनों वायर्स को कनेक्ट करना है। दोनों कनेक्ट कर आप देखें जैसे कि लाइट नहीं चल रही। लाइट भी इस टाइम फॉल्टी कंडीशन में है क्योंकि इसमें रस्टिंग हुई हुई है, लेकिन इसकी रस्टिंग में हम देख पा रहे हैं इसके कुछ कनेक्शन डैमेज हुए हुए हैं और हम जब इसको जो से है ना कनेक्शंस को आपस में बनाते हैं तो ये ऑन होती है। इसके लिए हम सबसे पहले कन्फर्म कर लेते हैं
कि हमारी कौन सी लाइन में शॉर्टेज है, इसके लिए हम नेगेटिव को ड्रैग करते हैं और इस तरह एक यूज़र को एलईडी पे लगा कर देखते हैं। तो ये हमारी एलईडी ऑन और ये एलईडी ओके है, इसका कनेक्शन ब्रेक हुआ हुआ है। तो इस कनेक्शन को फाइंड करेंगे हम, जैसा कि ये कनेक्शन यहाँ पे अवेलेबल है और दरमियान में से कट हो गया हुआ है, तो इस कनेक्शन को हम ढूंढेंगे और उसके बाद वायर को यहाँ पर सोल्ड कर देंगे और ये एलईडी हमारी वर्किंग कंडीशन में आ जाएगी। तो एलईडी के ब्रेक कनेक्शन को हमने उतार कर दूसरी जगह सोल्ड कर दिया है जहाँ से कनेक्शन पूरा था, और अब हम इसको डीसी पावर दे रहे हैं और ये एलईडी बिल्कुल एक्यूरेट चल रही है। तो हमारी एलईडी ओके हो गई, हमारा सोलर पैनल ओके हो गया। अब हमें ज़रूरत है एक मोशन सेंसर कंट्रोलर की और बैटरी की, तो आए चलते हैं उनकी इंस्टॉलेशन की। तो हम इस सोलर की किट में देख पा रहे हैं कि इसमें हमारे पास एक तो सोलर का चार्ज कंट्रोलर अवेलेबल है, यहाँ पर सोलर के पॉइंट हैं, यहाँ पर हमारे बैटरी के पॉइंट हैं और हमारे आउट के पॉइंट हैं। तो ये हमारा डुअल फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, एक तो हमें ये मोशन सेंसर का एज ए स्विच हमारा वर्क कर रहा है और दूसरा ये बैटरी को ओवरचार्जिंग कंट्रोल से बचा रहा है। ये सेम टू सेम किट क्योंकि चाइना पेटेंट है और यहाँ पे इजीली अवेलेबल नहीं है, तो हम मार्केट से इसी सर्किट की दो मुतली पार्ट्स को परचेज करके लेके आए हैं। जैसे कि ये चिप है, ये हमारी बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम की एक चिप है, इसको हम डीसी वोल्ट प्रोवाइड करेंगे और इसकी दूसरी साइड पर बैटरी पॉजिटिव और बैटरी नेगेटिव लगाकर हम बैटरी की चार्जिंग को कंट्रोल भी कर सकते हैं और बैटरी को ओवरचार्ज होने से भी बचा सकते हैं। तो ये हमारा सोलर पैनल से बैटरी को चार्ज करेगा, 50% ये सर्किट का काम देगा। और ये हमारा पार्शली इंफ्रारेड सेंसर, ये भी मार्केट में ऐसे मॉड्यूल शेप में अवेलेबल है, आप इसे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप से परचेज कर सकते हैं। तो अब हम इन दोनों सर्किट के कंपाइलर से इनको फिट करेंगे और इस लाइट को वर्किंग ऑर्डर में लेके आएंगे। तो जैसा कि हम आप देख रहे हैं, हमने बैटरी को इस बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू सोलर पैनल से कनेक्ट कर दिया है। यहाँ पर बी पॉजिटिव लिखा हुआ था, वहाँ बैटरी की पॉजिटिव वायर लग चुकी है, और जहाँ पर बी नेगेटिव लगा हुआ था वहाँ पे बैटरी की नेगेटिव वायर लग चुकी है। और यह हमारी एंड्रॉयड पोर्ट के साथ कनेक्शन थे सोलर पैनल के। इस सर्किट की मदद से आप एंड्रॉयड के किसी भी चार्जर की मदद से इस बैटरी को चार्ज कर सकते हैं, लेकिन हमने सोलर पैनल की मदद से करना है, तो हमने इस पे सोलर पैनल की वायर लगा दी है। अब इस टाइम नेचुरल लाइट तो अवेलेबल नहीं है, तो इसको चेक करने के लिए हमने एक ये 200 वाट का बल्ब लिया है और हम इसको लगाकर इससे सोलर पैनल को रोशनी देकर देखेंगे कि हमारा बैटरी सिस्टम काम कर रहा है कि नहीं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, जैसे ही हमारे ये सोलर पैनल पर पड़ना शुरू हुई है तो इसकी एलईडी ऑन हो गई है। तो ये आप देख रहे हैं कि जैसे ही हम ये अपना 200 वाट का बल्ब ऑन कर रहे हैं तो इस पे ये रेड लाइट ऑन हो रही है, और जैसे ही हम इसको ऑफ़ कर रहे हैं तो ये लाइट ऑफ हो जाती है। तो इसका मतलब है हमारा ये मॉड्यूल सिस्टम बिल्कुल ओके काम कर रहा है, सोलर पैनल पावरफुल आ रहा है और ये बैटरी की चार्जिंग की तरफ जा रही है। इस तरह से हमारा ये एक सर्किट इसमें कंप्लीट हो जाता है जिसमें सोलर पावर बनाएगा और ये सर्किट उस पावर को कंट्रोल करेगा और बैटरी उसको चार्ज करेगी। अब चलते हैं दूसरे सर्किट की तरफ। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमारा फर्स्ट सर्किट है जिसको हमने लास्ट टाइम कंप्लीट कर लिया था। हमने बैटरी के साथ बीएमएस सिस्टम लगा दिया था और उसके साथ सोलर पैनल कनेक्ट कर लिया था। तो ये तो हो गया हमारा चार्जिंग सिस्टम। अब चलते हैं हम मोशन सेंसर और लाइट की तरफ। तो हमने अपना आईआर सेंसर, ये जो हमारा पार्शली इंफ्रारेड सेंसर था, वो हमने यहाँ पर फिट किया है और ये है इसका लेंस। और इसका काम ये है कि इसके आगे जैसे ही मोशन सेंस होगी और ये लाइट अंधेरे में काम करेगी, जैसे ही सूरज ग्रूब होगा और उसके बाद अंधेरा होगा तो ये लाइट मोशन सेंस कर अपने आप चल जाएगी।
और इसकी एक टाइम ड्यूरेशन है जिसको हम वेरिएबली सेट कर सकते हैं। फिलहाल इसको 15 सेकंड पर सेट किया गया है। 15 सेकंड बाद ये लाइट मोशन सेंस करने के बावजूद खुद ही ऑफ हो जाएगी, और उसके बाद दोबारा जब ये मोशन सेंस करेगी तो ये चल जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं ये अपना टाइम ड्यूरेशन पूरा करेगी और फिर ऑफ हो जाएगी, और इस दौरान ये मतलब टाइम पे मोशन को सेंस करती रहेगी इंफ्रारेड सेंसर के साथ। और जैसे ही इसको मोशन मिलती रहेगी लाइट ऑन रहेगी, और जैसे ही कोई बॉडी या स्टिल हो जाएगी या मोशन करना बंद कर देगी तो ये लाइट अपना 15 सेकंड का टाइम ड्यूरेशन पूरा करने के बाद खुद ही ऑफ हो जाएगी। तो ये लाइट हो चुकी है हमारी ऑफ। सब सर्किट हमारा कंप्लीट है। हमने अपने ये पार्शियल इंफ्रारेड सेंसर के साथ एक FET कनेक्ट किया जो कि इस लाइट को ऑन ऑफ करवा रही है। तो अब सबसे ज़रूरी पार्ट कि हमने इस सर्किट को दोबारा क्लोज करना है, इस पूरी बॉडी को क्लोज करना है और इसको वाटर टाइट बनाना है। तो उसके लिए हम इस ग्लू का इस्तेमाल करेंगे। ये वाटर टाइट ग्लू है और ये हीट प्रूफ भी है। इस पे धूप का, गर्मी का, बारिश का कोई असर नहीं होता, तो इसकी वाटर प्रूफिंग बहुत ज़रूरी है। लिहाजा इसके लिए स्पेसिफिक इसी ग्लू का इस्तेमाल किया जाए तो बहुत बेहतर रहेगा। तो इस ग्लू को अच्छी तरह इसके साइड्स पे स्प्रेड करें। तो जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, हमने इस लाइट को पैक करने के बाद बाहर भी अच्छी तरह ग्लू की कोटिंग दी है चारों तरफ। ये हीट प्रूफ ग्लू है ताकि अच्छी तरह वाटर सील हो जाए, इसमें किसी तरीके से पानी ना जा सके। इस चीज़ का खास ख्याल रखें क्योंकि अगर इसके अंदर पानी चला गया तो ये सर्किट फिर से ख़राब हो जाएगा। ये वाटर टाइट सील सूखने में 12 से 13 घंटे ले सकती है, तो इसके लिए आप वेट करें और उसके बाद इस लाइट को इंस्टॉल कर दें। थैंक यू।